ऐसा क्यों है कि जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तथा कथित डबल इंजन की सरकार, वहां पर रक्षक भक्षक बन जाता है? ऐसा क्यों है कि भाजपा शासित हर राज्य में विक्टिम शेमिंग का मामला सामने आता है? पहले पीड़िता के चरित्र पर सवाल उठाए जाते थे, अब पीड़िता का यौन शोषण पुलिस स्टेशन के अंदर पुलिस के दरिंदे कर रहे हैं। ये क्यों होता है भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में? और एक बात तो सच है, नरेंद्र मोदी दौड़ दौड़कर इधर उधर प्रचार करेंगे, एक शब्द इस पर नहीं बोलेंगे। उनकी महिला मंत्री इस पर एक शब्द नहीं बोलेंगी। इस देश की महिला बाल विकास मंत्री कौन है? अगर मैं आप में से 10 लोगों से पूछूं तो एक व्यक्ति शायद इसका जवाब दे पाएगा। महिला सांसद इस पर नहीं बोलेंगी। हो क्या रहा है इस देश में? पुलिस को देखकर जिन अपराधियों की हाड़ कांप जानी चाहिए, उनसे बचने के लिए जब एक औरत पुलिस स्टेशन जाती है, वहां शरण, वहां सहारा, वहां मदद मांगती है, उसके साथ यौन शोषण पुलिस कर्मी करता है, तो फिर सुरक्षित कहां है इस देश की आधी आबादी? कौन से सशक्तिकरण की बात होती है? यह जानना आज क्यों नहीं जरूरी है? और क्या आधी आबादी के लिए इस देश में कोई जगह नहीं बची है?